कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ये कैसी स्क्रीन आ गई भाई? स्क्रीन शेयर हो रही है, देखना बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। क्या करना है? रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना बेटा? ठीक है, तो इलेक्ट्रो हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। खुशी तुमने क्या बोला कि सर जो है केमिस्ट्री का सॉन्ग सुनाते हैं? सर वो मैंने सर बोला। मैंने नहीं बोला था। किसने बोला फिर? सर ऋत्विक। अच्छा सर मैंने तो ये बोला था कि आप ये बोल रहे थे कि कानों से खून आ जाएगा। हाँ वो तो सही बोला मैंने। अच्छा खुशी। हाय सर। हेलो बेटा। चले भाई स्टार्ट करें। यस सर। यार अभी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शायद तुम लोगों की क्लास ओवर हो गई होगी। चाहो तो ब्रेक ले लो 2 मिनट का, और अगर चाहो तो स्टार्ट कर दे, जैसा बताओ। सर 2 मिनट। ठीक है 2 मिनट का ब्रेक ले लो, स्लाइड खुली हुई है। ठीक है 2 मिनट का ब्रेक ले लो, आ जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है मानवी, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। ठीक है प्रतिभा, समझ गए भाई। अच्छा मुझे जल्दी से रिकॉल कराओ हमारा कहाँ तक हो गया था, तो उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करें। मुझे बताओ पीछे तुम लोग को ब्रिज दिख रहा है बेटा? क्लियर है ब्रिज? क्लियर है ना? ब्रिज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ब्रिज पे बैठ के पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, है ना? एक मिनट देखो, रुको बेटा हम जरा चेक कर लें। ठीक है वो कहाँ है यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हर्षिता कहाँ है? अरे वाह प्रतिभा इतनी बढ़िया, मतलब अच्छा ठीक है। ठीक है भावना, अच्छा ठीक है ओके। वंशिका गुड इवनिंग। ठीक
क्या करना था? अच्छा अच्छा एक बार हम जरा लास्ट क्लास को देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज का बेटा फंक्शन वगैरह लिखवा दिया था मैंने, क्या लिखवा, क्या मतलब समझा दिया था। गुड इवनिंग अपेक्षिता, चलो भाई करें स्टार्ट। यस सर। चलो तो देखो हमने आपको सॉल्ट ब्रिज समझा दिया था कि उसके अंदर हम लोग किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, ये सब बातें हो गई थी। मैं बताया था उसमें जनरली पॉलीसेक्राइड्स वगैरह हम लोग भरते हैं, KNO3, KCl, NH4 etc. ये सब हम लोग उसके अंदर भर सकते हैं। मैं बताया था कि हम लोगों को इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए जिनकी आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की इक्वल हो, है ना, क्योंकि जितनी तेजी से हमें कैटायन भेजना है उतनी ही तेजी से हमें एनायन भेजना है। उसी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने बोला था कि एक जैसे हमारे पास क्या आ गया था, KCl आ गया था। हमने कहा था KCl को कब यूज नहीं करना, बता सकते हो? एक तो Ag, दूसरा Tl, तीसरा Pb और Hg, इनके केस में हम लोग KCl को यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ क्या होता है, इनके केस में यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज नॉट इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, तो इसलिए KCl को इनके केस में लोग यूज नहीं करते। तो इतना हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आज हेडिंग डालोगे सेल पोटेंशियल, हेडिंग डालो सेल या फिर लिखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तुम्हें वाला, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन इनको से AU, हाँ ठीक है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ABCD आती है तुम लोगों को, ABCD आती है ना, तो ऐसे लिख लो A, फिर लिख लो B, फिर लिख लो C। A का मतलब एनोड, A का मतलब एनोड, मतलब लेफ्ट में आप क्या लिखोगे, एनोड। B का मतलब ब्रिज, कौन सा ब्रिज, एक ही ब्रिज अपने पास बेटा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और C का मतलब कैथोड, मतलब जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो लेफ्ट में क्या लिखोगे, एनोड, बीच में आप लिखोगे ब्रिज और लास्ट में क्या लिखोगे, कैथोड लिखोगे, वो भी किधर, कौन सा किधर लिखोगे, लास्ट में, ठीक है। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है ना, ठीक है। ए एनोड, बी में ब्रिज, सी का कैथोड, ठीक। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है कि ZN जो है वो क्या कर रहा है, Cu2+ से, जो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी थी वहीं से उठा लेते हैं रिएक्शन। ZN क्या कर रहा है, Cu2+ से रिएक्शन करके खुद को कन्वर्ट कर रहा है Zn2+ में, और Cu2+ क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को कन्वर्ट कर रहा है कॉपर सॉलिड में, मतलब ये कन्वर्ट हुआ इसमें, ये कन्वर्ट हुआ इसमें। बेटा बता दो कैसे पहचानते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन, बता दो जल्दी से कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन कहाँ, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहां पे ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। अगर ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, यहाँ पे 2+ है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और मैंने क्या बुलाया था तुम लोगों को, 20 बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बताएंगे। हमने बताया था एन ऑग्स, एन क्या बताया था, ऑग्स एंड रेड कैट, याद है कि नहीं जल्दी बोल दो फटाफट। यस सर। एन का मतलब एनोड, ऑग्स का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दुनिया की यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैट का मतलब कहाँ होगा, कैथोड पर। अरे ये कहानी है, हेलो दीक्षा, चलो तो ये कहानी हो गई, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि भाई Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2+, फिर डबल बॉन्ड, फिर आप क्या लिखोगे, Cu2+ इज कन्वर्टेड टू Cu, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है जरा उन्हें एक बार समझ लेते हैं। देखो भाई ये जो आपने सिंगल डंडा ऐसे खींच रखा है, सिंगल डंडा, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है सेपरेट, ये क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, किसे सेपरेट कर रहा है, डिफरेंट फेजेस को, सेपरेट डिफरेंट फेज को, डिफरेंट फेज को सेपरेट कर रहा है। अगर मान लो कहीं पे दो डंडे ऐसे आते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर सेम फेज है, जैसे मान लो Fe2+ जो है
वो खुद को कन्वर्ट कर रहा है एफ ई थ्री प्लस में, तब क्या करेंगे बेटा इनके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे बता सकता है कोई? सही है ऋतविका, बढ़िया ट्रिक। देखो अगर सेम फेज है तो बेटा इनके बीच में हमेशा कॉमा लगाओगे, ठीक है? तो कॉमा अगर कभी भी लगा मिल जाए तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये सेपरेट तो कर रहा है बट किसे सेपरेट कर रहा है, सेम फेज को सेपरेट, सेम फेज। क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बताओ भाई इतना क्लियर है? मतलब अगर ये एक सिंगल डंडा है इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फेज को, डिफरेंट फेज का मतलब समझते हो, जैसे ZN क्या है सॉलिड है लेकिन ZN2+ का ये एक्वस है कि नहीं है बोलो, ऐसे Cu2+ क्या है बेटा एक्वस है और Cu क्या है सॉलिड है। तो अलग अलग टाइप के फेजेस होंगे, अलग अलग टाइप के फेजेस होंगे, ठीक? ZN ZN2+ में मतलब सॉलिड हुआ एक्वस में गया, एक्वस गया सॉलिड में, तो डिफरेंट फेज होंगे। तो सिंगल डंडा डबल डंडे का मतलब सॉलिड ब्रिज और कहीं पे कॉमा लगा दैट मीन क्या हो जाएगा, एक ही फेज को डिफरेंट सेपरेट मतलब सेपरेट करेगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी छापो, छाप लिया बेटा जल्दी बता देना। यस सर। अरे भैया आज कैमरा कहां है बंद कर लिया सब लोगों ने, है तुम लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे, यहाँ हमारा ज्यादा सुंदर लग रहा है तुम लोग लग रहा है, अरे आज हम सर के सामने अच्छे नहीं लगेंगे क्यों, हमें तारीफ अपनी करनी कैसे भी करके। स्लाइड शो नहीं हो रही है? अच्छा सबको नहीं हो रही है क्या बेटा? हो रही है तो बेटा जिसे नहीं हो रही एक बार क्या कहते हैं लेफ्ट करके फिर से छोड़ मतलब ज्वाइन करो, क्या पता शायद कुछ हो जाए, ठीक है एक बार ज्वाइन कर लो फिर से। हेलो मानवी, मानवी हेलो, ठीक चलो अगर इतना नोट कर लिया तो आगे चलें। तुम लोग आपस में बतिया रहे हो क्या? नो सर। ठीक है चलो, अब आप हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, मान भी बेटा ठीक है, हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है? देखो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज है, सेल पोटेंशियल अलग चीज है, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल? बताएं, देखो तुमने कहा एक बीकर है और तुमने ये भी बोला कि सर इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लगा रखा है, मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? यस यस, बोलते रहो, नेटवर्क का कुछ इशू है। देखो तो तुमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड लगाया और इसमें तुमने एक सॉल्यूशन भर दिया मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब ये और ये इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर तुमने क्या करा, दो बीकर लिए, एक बीकर लिए एक बीकर लिए, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड इसमें लगाया, इसमें कुछ सोल्यूशन भरा, इसमें कुछ सोल्यूशन भरा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बेटा क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। मतलब द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल, क्योंकि यार एक बार बताओ यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि एक इलेक्ट्रोड ये एक इलेक्ट्रोड ये इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर हुई, बोलो जल्दी से। यस सर। लिख लो जल्दी से, हेडिंग डाल दो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंशन मत लेना तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जल्दी से हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखो इट इज द पोटेंशियल जनरेट, इट इज द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी करते हैं बेटा बस अस्मिता एक मिनट में। इट इज द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक। अच्छा अब इसमें भी बेटा दो बातें हैं, देखो अगर देखो इफ इलेक्ट्रोड, इफ इलेक्ट्रोड इज बीइंग, इज बीइंग ऑक्सीडाइज, अगर आपका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ इलेक्ट्रोड इज बीइंग रिड्यूस्ड, इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आपका इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात, जल्दी बोलो बेटा। यस सर, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात तो एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दो कितना 298 केल्विन, ठीक है, अगर आप प्रेशर फिक्स कर दो कितना 1 atm, और अगर आप कंसंट्रेशन फिक्स कर दो कितनी 1 molar, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कोई चीजें फिक्स है कि इसी टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर पे, इसी कंसंट्रेशन पे अगर बात करें, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन 298 केल्विन 1 atm और 1 molar ले लिया तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब फॉर्मूला यही है, डेफिनेशन यही है, बस यह है कि डिनोट किससे करेंगे, ई नॉट से करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या अलग अलग चीज है, तो आंसर हाँ, क्योंकि डेफिनेशन तो सेम है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बट ये किस पे, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन पे, और ये किस पे, ये है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपकी 1 molar होनी चाहिए। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. इन दोनों में समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक के बताओ? Yes, सही है, ठीक। तो इतना नोट करो फिर आगे चले, प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा, किसको देखना था देख लो। हाँ बेटा, इससे आगे वाली स्लाइड, इससे आगे कुछ कहाँ लिखा है, ये वाला, इसके आगे कुछ लिखा है कहाँ, इसके आगे तो यही लिखवाया बेटा। नहीं सर, जिसमें आपने रिएक्शन करवाया था ना और डायग्राम ड्रॉ किया था, वो वाला दिखाना एक बार। यही है, यही है, वो तो डायग्राम मिटा दिया था, यही वाला है, यही है, नोट कर लो जल्दी। सर सर एक बार ना, जब आप डिवाइस करवाओगे तो उस डायग्राम को फिर से बना देना साथ साथ में। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल से तो नहीं बता रहा हूँ? यस सर, जो बिकर वाले आपने दो बनाए थे ना, एक दो बिकर वाला था और एक सिंगल में आपने शायद डाला था। अच्छा अच्छा, अभी वाला देखो, समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हुआ, बड़ा आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहा हूँ? वेट, मुझे ये वाली स्लाइड चाहिए। ठीक है, नोट कर। हाँ बेटा, सर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसमें टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन सर कैसे होता है? मतलब देखो देखो बेटा, अश्मिता पहले बताओ, नोट कर लिया ये वाला? नो सर, वेट, ठीक है अभी बताते हैं बेटा, इसे नोट कर लेना फिर बता। डन सर, थैंक यू। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच का, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इसमें एक कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्ट भरा हुआ है। आरती, हेलो सर। सर आप मूंगफली खा रहे हो? हाँ भाई मूंगफली खा रहे हैं, नहीं खा सकते क्या? तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भूख लगाती है यार, क्या करें। देखो अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तो ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर आपने दो अलग अलग भी कर लिए तो इसका मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि आप एक को पॉजिटिव टर्मिनल एक को निगेटिव ऐसा कुछ करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे,
पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल, बस सिंपल सी बात है। अच्छा फिर बात आती है कि स्टैंडर्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बस इतना है कि इसमें कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर कुछ भी दिया होगा, लेकिन जब बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स और कंसंट्रेशन भी फिक्स रहेगी। आई बात समझ में? यस सर। बस इतनी सी बात तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है बेटा? थैंक यू। चले आगे चले। यस सर। चलो अब हेडिंग डालते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है? अब आप हेडिंग डालो सेल पोटेंशियल। अब देखते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? जैसा कि हमने पहले बताया फिर से लिखवा देते हैं। इप्सिता हेलो 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 दो। चलो देखो इसमें लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड में से एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, एनोड एंड कैथोड, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है। गायत्री स्लाइड नहीं शो हो रही है यार, किसी को नहीं हो रही है क्या? सर शो हो रही है। हो रही है सर। तो गायत्री इसका मतलब फिर आपकी तरफ नेटवर्क का कुछ ना कुछ इशू है, एक बार चेक करो। तो अगर हम लोग एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है देख लेना जरा, ये अपने काम की चीज है बेटा। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई ऑक्सीडेशन कैथोड। हाँ या तो आप लिखोगे ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ठीक है? अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो आप क्या लिखोगे, ई सेल ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, अगर जेडन वाली रिएक्शन उठा लें तो जेडन किस में जा रहा था, जेडन टू प्लस में ऐसे प्लस आप लिखोगे ई रिडक्शन, मतलब क्या लिखोगे ई सी यू टू प्लस से लिखेंगे सी यू, ठीक है? बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला ना ही यूज करें तो बेटर है। आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे ई सेल का, आप ई सेल का फॉर्मूला यूज करोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस का ई एनोड, ठीक है? एनोड, हालांकि जब तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा यही, तो हम तुम्हें बस राय देंगे कि तुम ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये वाला आप याद कर लो, ये अपने काम की चीज है, ठीक है? इसे आप याद कर लेना। अच्छा अच्छा ये तो बात किसकी लिखी हुई, ये तो ई ई मतलब ये सेल पोटेंशियल हो गया, या फिर अगर हम इसे ऐसे लिख दें फॉर एग्जाम्पल ई नॉट लिख दें, तो ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ। ई क्या है, नॉर्मल सेल पोटेंशियल, ई नॉट क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट कैथोड, E नॉट कैथोड माइनस का E नॉट एनोड, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये वाला आप दो फॉर्मूले मतलब ये वाला याद रखो, बस मेन बात यही है, ये वाला फॉर्मूला आप मेन याद रखेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना बेटा, हम लोग जब भी वैल्यू लेंगे तो वो कौन सी लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यहाँ पे लिख लो वैल्यू कौन सी लेनी है, लेनी है कौन सी, रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग जब भी वैल्यू लेंगे किसकी लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है? समझ गए बेटा, जल्दी बताओ। यस यस। तो इसी बात पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करो, देखो फॉर गैल्वेनिक सेल, फॉर गैल्वेनिक सेल फाइंड E not cell, देखो रिएक्शन क्या देखिए, Fe solid से Fe2 plus aqueous, Fe solid से Fe2 plus aqueous, और ये फिर salt bridge Cu2 plus aqueous से Cu2 plus aqueous से Cu solid, ठीक है? ये कुछ में दे रखा है, और इसमें तुमसे given, given क्या है देखियो जरा, तुम्हें given है E not Fe से Fe2+ की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, ये दे रखी है प्लस का 0.044 वोल्ट, ठीक है? ऐसे ही आपको E0 दे रखा है Cu2+ से Cu, ये आपको गिवन है 0.34 वोल्ट, ठीक है? और कुछ गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है? अब इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगी, जल्दी से सब लोग। E not cell पता करना है तुम लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन में देखो पढ़ लो, सबसे ऊपर लिखा हुआ फॉर गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तुमसे E not cell की वैल्यू पूछ,
आयुषी और ऋत्विका का आंसर आ चुका है भाई, और लोग बताओ। बट दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। आयुषी का आ रहा है 10 वोल्ट, ऋत्विका का आ रहा है 0.78 वोल्ट, अश्मिता का भी 0.10 वोल्ट आ रहा है। तीन बच्चों ने आंसर दिया, तीनों का अलग अलग है। जल्दी बोलो भैया क्या करा जाए। और बताओ जतिन, आप बताओ। प्रतिभा का भी आंसर आ गया 0.10 वोल्ट, ओशन का भी आंसर आ गया 0.1। और बताओ भाई, बाकी लोग भी ट्राई करो। वर्षा का भी आ गया 0.1, सिर्फ तुम्हारा ऋत्विक का अलग है भाई। क्या करा जाए, क्या करा तुमने, कहाँ गड़बड़ करी बताइए जरा। सिर्फ एक बच्चे का आंसर अलग है, बाकी सबका सही मारा है। सर मैंने इनोर्सेल इक्वल्स टू द ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन किए। तनिष्का, गायत्री, सबका 0.1 बना रहा। देखो चेक करते हैं भाई, देखो अभी पता चल जाएगा। देखो बेटा ये जीरो से कहां जा रहा है, ये जीरो से जा रहा है प्लस टू। अगर ये जीरो से प्लस टू जा रहा है, मतलब ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है कि नहीं होता, बोलो जल्दी बोलो। ये होता है, नहीं होता है? और एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू भी तुम्हें कौन सी दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, टू प्लस से जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या है, ये रिडक्शन का, ये हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, कैथोड पे होता है। क्लियर है इतनी बात बताओ? Yes, but the fact is कि ये यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू भी किसकी है, ये वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल की है। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है कि नहीं, बताओ। Yes, और यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, जरा इसे इसे पढ़ो। इसे तुमने स्टार नहीं बनाया था, अभी तुमने गड़बड़ कर दिया। क्या कह रहा है, कौन सी वैल्यू लेनी है? वैल्यू हमेशा आप एक ही लोगे, वो कौन सी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन भी है, तब भी तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं लोगे, वैल्यू कौन सी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता करेंगे, अगर ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है तो तुम इससे क्या करो, इसका जो भी साइन है उसे अपोजिट कर दो, वो वैल्यू हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर। वॉइस नहीं आ रही यार, आपका कैमरा भी स्टिल हो गया है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जरा चेक करना सब कुछ सही है, दिख रहा है बेटा? यस सर। देखो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये वैल्यू हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन है, बट हमें वैल्यू कौन सी लेनी होती, रिडक्शन पोटेंशियल की। जो भी वैल्यू आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन है, अगर आप उसका साइन चेंज कर देते हो तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो इसका मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है, E कैथोड, E नॉट कैथोड। अब कैथोड वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड का मतलब रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, नहीं बताओ। ई नॉट कैथोड, अच्छा पहले कैथोड के लेंगे, रुक जाओ। कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, मतलब ये क्या है तुम्हारा, एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड की रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, मतलब ये कैथोड की वैल्यू हो गई 0.3434, ये वाली होगी कि नहीं होगी, कैथोड की वैल्यू होगी। माइनस एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, एनोड पे वाली रिएक्शन है, माइनस का 0.44। तो भैया देखियो जरा, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस का क्या लिखेंगे, 0.44। तो भैया ये हो जाएगा 448 हो जाएगा, 73 कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा, 0.0, यानी कि 0.78, यानी कि ऋत्विका का आंसर सही है, बाकी सारे बच्चों का आंसर गलत है। भैया क्या गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने, सबने गलती कैसे कर दी। अश्मिता का आंसर आ गया, और बताओ भाई। मेरा ठीक था। हाँ तुम्हारा ठीक ठीक था, बिल्कुल ठीक था बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम लोगों का ग्लिच हो गया यहाँ पे, तुम लोगों ने थोड़ी सी बात ध्यान में दी थी। अच्छा एक बार बताओ, इससे पहले तुम लोगों ने इलेक्ट्रो नहीं पढ़ी क्या बेटा?
पढ़ा है सर। तो देखो अगर इलेक्ट्रो पढ़ी है तो आप ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ये मिस्टेक तुम इस टाइम पे आके नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। आपके पेपर बिल्कुल आने वाले हैं, टाइम बचे कितना, जनवरी में आपका नहीं, तुम्हारा तो अच्छा उसमें होगा, मई में, ठीक है। फिर लेकिन हमारा राधिका मैम ने पढ़ाया था ना ये वाला चैप्टर। भी पढ़ाया तो पूरा होगा ना बेटा, छोड़ दिया तो बीच में, कोई भी चैप्टर पढ़ा करो तो डिटेलिंग में पढ़ा करो, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ दिया। हालांकि ऋत्विका का आंसर सही था, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया, बट ध्यान रखना। अच्छा देखो जैसे एक बात बताओ, कार्बन 12 को प्रिंसिपल मान के सारे मासेस उसी से हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं कार्बन 12 को, है ना। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है रिडक्शन पोटेंशियल की याद कर लेते हैं, उसी से हम लोग प्रिंसिपल मान के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को बेटा, हाईलाइट कर लो बस इतनी बात को। जो वैल्यू लोगे वो हमेशा कौन सी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। चले आगे बेटा नोट कर लिया तुमने, यस इतना करो फिर आगे चलते हैं। हाँ अभी प्रतिभा एक और क्वेश्चन करेंगे, बस एक टॉपिक और पढ़ लें फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। चले भाई चले आगे चले, जल्दी बताओ चले। चलो अब बात करते हैं, देखो सर। अब एक रिलेशन तुम्हें लिखवाते हैं, इसे डिटेल में तो तुमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बट अभी के लिए फिलहाल एक रिलेशन लिखो, इक्विलिब्रियम फॉर गैल्वेनिक सेल। देखो इक्विलिब्रियम तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट ये समझ लो क्या है, मुझे बताओ किसी को पता है कि व्हाट इज डेल्टा जी, क्या किसी को मालूम है डेल्टा जी क्या होता है? क्यों भाई गिब्स गिब्स एनर्जी? ये तो मुझे पता एनर्जी है, गिब्स एनर्जी होती क्या है ये तो बताओ, पता है किसी को व्हाट इज गिब्स एनर्जी? जिससे मैं ये बताते हैं कि प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो खुद हो रही है कि मतलब उसे करवा रहे हैं स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो ये तो तुम लोग बेटा सॉल्व करके अपना एक्सपेरिमेंट मतलब ये पता कर लिया ना तुमने, ऑब्जर्वेशन किया एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये तो तुम ऑब्जर्वेशन बता रहे हो कि अगर निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस और पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। तुमने देखा निगेटिव चार्ज रिएक्शन मारा, तुमने बोल दिया निगेटिव होगी तो ये होगा, पॉजिटिव होगा तो वो होगा। एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी, देखो वाह गिब्स फ्री एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी मेरी बात सुनो, देखो हम बताते हैं क्या है। मान लो किसी एक बच्चे को बेटा कुर्बानी देनी पड़ेगी, वर्षा कह रही चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी, अच्छा ठीक है चलो वर्षा को ही ले लेते हैं। वर्षा भी कहेगी कहाँ भैया गलत आंसर दे के बैठ गए, एग्जाम्पल में फंस गए, ठीक है देखो समझाते हैं क्या कहानी है। अरे भाई चल जा, तो एक्चुअल में मान लो वर्षा, वर्षा को वर्षा बेटा थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बेकार है, ठीक है तो शक्ल थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, थोड़ी होगी लेकिन उधर ये मत सोचना बहुत बुरा बना देंगे, ठीक है ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा बस इधर उधर होगा बाकी तो ठीक है, ठीक है ये मान लो वर्षा है, कौन है बेटा ये वर्षा, ठीक है सुंदर सुंदर आंखें हैं, ये नाक है, बस हंस रही है। अरे हाँ रुक जाओ रुक जाओ, अरे तुम लोग भाई इमोजी मोजी नहीं भेजो, समझ लो यार पहले कहानी समझ लो बेटा, पहले कहानी समझो। अब ये वर्षा है, अब वैसे तो मेरी ड्राइंग बेटा बहुत अच्छी मतलब नहीं है लेकिन मेरी इतनी बुरी भी नहीं है, तो तुम अगर फेस मिला लोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही निकल जाएगा, ठीक है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है उसके लिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है इतना तो हो ही जाता है कभी कभी, बाल थोड़े उसके कलर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो वर्षा, ये वर्षा अभी वाली नहीं है, तुम लोग अभी वाली सोच रहे हो कहीं को कि सर अभी तो वर्षा ऐसी नहीं दिखती, अरे अभी तो अब ऐसी नहीं दिख, ऑब्वियसली बात नहीं दिखेगी, ये वर्षा है अरे यार है, तुम लोग जो है पढ़ने पे ज्यादा तुम उस पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है सही से उसे रुक जाओ और सही से बना देते हैं ऐसे करके, ये ठीक अब सही है। अब मेरी बात सुनो, ये वर्षा है एट द एज ऑफ 90, 90 साल की हो चुकी है वर्षा, सुन लो यार फ्यूचर में तुम्हें ट्रेवल करा रहे हैं तुम्हें यार सुनना ही नहीं है, ठीक है हाँ वर्षा जो है 90 साल की हो चुकी है, और एट द एज ऑफ 90 साल, एट द एज ऑफ 90 साल वर्षा के पास है 100 करोड़ रुपए, कितने रुपए 100 करोड़ रुपए,
सुनते रहना बहुत ध्यान से। 90 साल की एज में वर्षा के पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब वर्षा को पता है कि 4-5 साल बचे लुढ़कने में, है ना, ज्यादा टाइम बचा नहीं, 4-5 साल और। अब वर्षा को एकदम से मतलब ध्यान आया कि ऐसा करते हैं कि चलो गरीबों की मदद कर देते हैं, ठीक है, पुअर पीपल की जो है वो गरब कर मतलब मदद कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा, वर्षा ने बोला, वर्षा है ये पहले लिख देते हैं, बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाए, वर्षा, तो वर्षा ये बोल रही है कि हम ये 100 के 100 करोड़ रुपए डोनेट कर देंगे, ठीक है यार। एक बात बताओ, किसी इंसान के पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो ऐसे तो रखेगा नहीं, एक मैनेजर होगा। अब मान लो वो मैनेजर हम है, हिमांशु सर जो है वो मैनेजर है इसके, वर्षा, ठीक है, हिमांशु सर क्या है, वर्षा के मैनेजर है, वर्षा, अच्छा ऐसे अच्छे, अरे कोई कोई बात नहीं, बता चुके ना पहले, हाँ प्रतिभा प्रतिभा याद आ गया, हिमांशु सर मान लो मैनेजर है। तो अगर वर्षा कहेगी कि मैं 100 के 100 करोड़ रुपए डोनेट करने हैं, तो अगर मैं इसके मैनेजर है और एकदम सही इसके शुभ चिंतक है, तो हम चाहेंगे कि यार ये 100 करोड़ रुपए ना डोनेट करें, हम चाहेंगे ये क्या करें, एटलीस्ट 30 करोड़ रुपए बचा ले, और डोनेट कितने कर दे, 70 करोड़ रुपए। ये 30 करोड़ हमने क्यों बचाए, मान लो कल को वर्षा एकदम फड़फड़ा गई, एकदम से मतलब लगा कि हाँ भाई हम निपटने वाली, तो यार कम से कम कुछ तो होना चाहिए अमाउंट जो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखे। मान लो वर्षा के जो लड़के होंगे, जो इनके पोते होंगे, लड़के लड़कियां पोते पोतियां होंगे, मान लो उन्होंने कह दिया कि हम तो नहीं रुपए खर्च करेंगे, तो उस टाइम पे अगर वर्षा अपने पास 30 करोड़ रुपए बचा लेगी और 70 करोड़ डोनेट कर देगी, डोनेशन 70 करोड़ का बहुत बड़ा हो गया है ना, हेल्प भी हो गई, और 30 करोड़ से क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी बेटा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक ऐसी एनर्जी जिससे मॉलिक्यूल आपका स्टेबल रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बताते हैं, उसी को हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, आप कुछ करेंसी क्या बचा के रख लोगे फॉर बेसिक नीड्स, हम अच्छा करेंसी हम बना लेंगे, मतलब बचा लेंगे, हमें ऐसा लगता है ऋतिका? खुशी क्या खा के आई तुम इतनी देर में? सर लगता है बट सर पता नहीं आपका बचाओगे या नहीं। सर मैं कुछ नहीं खा के आई, मेरा गला खराब और खांसी हो रही थोड़ी थोड़ी देर में, उस चक्कर में मेरे को कैमरा ऑन करने की याद नहीं रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, इसे खांसी हो रही, सब लोग बेटा मास्क लगा लो अपना अपना, ठीक है। चलो देखो, तो बात यह गिफ्ट फ्री एनर्जी समझ में आ गई, कोई भी कंपाउंड एक ऐसी एनर्जी को बेटा संभाल के रखता है जिससे वो अनस्टेबल ना हो, मतलब अगर सारी एनर्जी डोनेट भी कर देगा तब भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपने पास रखे, ऋतिका देखो लगा भी लिया, ठीक है। चलो तो डेल्टा जी नॉट का जो रिलेशन है बस आपको वो याद रखना, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला था माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, हाँ बिल्कुल सही बात है, ई नॉट सेल। तो एक रिलेशन आपको ये वाला याद करके रखना है, और एक आप रिलेशन याद करोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेल्टा जी नॉट कैसी प्रॉपर्टी है, तो याद रखना डेल्टा जी नॉट जो है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एडिटिव होती है, जो कैसी होती है, एडिटिव, एडिटिव का मतलब जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, राइट। और जो आपका ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपकी नॉन एडिटिव होती है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक आपकी हो गई कैसी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि एडिटिव होगी, एक होगी आपकी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी जो कि आपकी इंटेंसिव होगी। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, ठीक है। चलो इतना नोट करो फिर चले आगे। तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, और ये दो फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। अब एक बढ़िया वाला क्वेश्चन कर ले, बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला। यस सर। माइक तो खोल, ऋतिका क्या बोल रही है? सर मैं बोल रही हूँ एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऋतिका के होंठ तो फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही, फिर हमने देखा माइक बंद है उसका। चलो अब एक तुम्हें बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अश्मिता ऐसे करके नहीं बैठते, ऐसे करके मतलब आप बहुत बोर हो रहे हो। अश्मिता नहीं सॉरी इप्सिता, एकदम एक्टिव होके बैठा करो, ठीक है।
ये हुई ना बात, ऐसे बैठो का तो पूरे मतलब उसमें बैठे हुए कि बस क्लास खत्म हो बस तुरंत सो जाएंगे। अब ये गाना की कहाँ, ये गाना गाना क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, कैसा गाना, हम क्या अरिजीत सिंह है जो गाना सुना दे। हाँ सही लगा तुम्हें, गाना तो ऐसे बोल रहा नहीं जैसे मेरी बड़ी सुरीली आवाज है। चलो चले आगे, अरिजीत सिंह लाइट कह रही है, पिटोगी पर तुम हमसे बता रहे। चलो अब एक क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, अगर अब तुमने ये ओके अगर तुम में से कोई ये क्वेश्चन ना लगा पाया, अब हम तुमसे गाना गवाएंगे अभी के अभी सबसे, अगर ये क्वेश्चन ना लगा। देखो जरा कह रहा भाई, वाह इतने बड़े वाले हो तुम लोग। सिमरन कह रही हिमांशु जीत सिंह, ये क्या बात हुई, नाम बिगाड़ लो मेरा, हम तुम लोगों का नाम बिगाड़ते हैं। कॉपीराइट तो हो ना। बहुत बीटिंग बहुत। ठीक है, तो ई नॉट सी यू टू प्लस एस यू की अगर बात करें तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 0 पॉइंट का 1.5 वोल्ट एंड और क्या दिया हुआ है तुम्हें, और तुम्हें दे रखा है ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू, ये तुम्हें दे रखा है 0.5 वोल्ट। ठीक, और तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू जो है वो आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, रिएक्शंस आपको दी हुई है, देखना जरा। कह रहा है सी यू टू प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है सी यू पॉजिटिव में, इसके लिए आपको ई वन की वैल्यू भी गिवेन है कितनी, 0.15 वोल्ट। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। सी यू पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है सी यू में, और इसके लिए आपको ई नॉट टू की वैल्यू दे रखी है 0.5 वोल्ट। और ऐसे ही भैया एक पॉइंट आपको और दे रखा है, सी यू टू प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिए कन्वर्ट हुआ किसमें, सी यू में, ये आपका आ गया E03, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, अभी तक हमने तुम्हें जो भी पढ़ाया उसका यूज करके ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ। मानसी बाबा की, अच्छा ये सही है। हाँ चलो, तुम अगर तुमने लगा दिया ये क्वेश्चन, पक्की बात है चलो हम गाना गा देंगे, अगर तुमने क्वेश्चन लगा दिया जैसे प्रतिमान चैलेंज फेंका है, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, तुम नेट एट से देख के लगाओगे तो फिर चीटिंग हो जाएगी। ठीक है चलो लगाओ ये क्वेश्चन, ट्राई करो बस, मैं 5 मिनट में गया। और सर माइक ऑफ सर माइक ऑफ है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम ये कह रहे हैं ये क्वेश्चन लगाओ 5 मिनट आते हैं। ठीक है, अगर तुमने गाना लगा दिया, ये गाना कह रहा है, ये अगर तुमने क्वेश्चन लगा दिया तो मैं तुम्हें गाना सुना दूंगा अपनी बेसुरी आवाज में। ठीक है, जल्दी ट्राई करो सब लोग, फटाफट जल्दी से।
तनिष्का आरती, और किसने दिया आंसर? गायत्री, आयुषी, कोमल, ऋतिका, भैया बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। तुम लोगों ने ये आंसर चेपा है ना बेटा, सही बता दो एकदम। नो सर, सर खुद किया है। कैसे करा? अच्छा बताना जरा, आइडिया दो कैसे करा सर। कैमरा ऑन करके बताओ। ठीक है, तनिष्का क्या, तनिष्का करा 0.325। अच्छा इतना दिमाग तुमने लगा दिया इसमें, पक्की बात? यस सर। तनिष्का दिखाओ कैसे करो बेटा। प्रतिभा मुझे कुछ नहीं, देखो हम बताते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल यूज करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो जी है वो तो एडिटिव है, बट हमारा जो क्या कहते हैं ई है वो तो नॉन एडिटिव है। ये हमसे ई पूछ रहा है, E3 बताओ। तो तुम्हें पता है तुम इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते, बट तुम जी को ऐड कर सकते हो। तो तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस का डेल्टा जी टू नॉट। यहां से एक एलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का एन एफ ई सेल। तो आप इसे क्या लिखोगे? माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, सेल में सी दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, हटा देंगे एक बार, देखते रहना जरा सेल। और एक और बात, अब एन की वैल्यू तुम्हें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? देखो अगर इसकी बात करें, यहाँ पे एन एन वन की वैल्यू बताओ, दो इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे एन वन की वैल्यू वन है। इस वाली रिएक्शन में एन टू की वैल्यू कितनी है? वन है। यहाँ पे एन थ्री की वैल्यू कितनी है? N3 की वैल्यू 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे N ना लिख के N1 लिख दे, कोई दिक्कत है? सॉरी यहाँ पे G3 है तो यहाँ पे N3 हो जाएगा। रुको, यहाँ पे हो जाएगा N3। ठीक है, और E0 सेल के लिए देख लेंगे क्या दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब लिखेंगे डेल्टा G1 की बात करें अगर, तो G1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का N1 F E0 सेल होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर से माइनस का आ जाएगा N2 F E0 सेल, क्योंकि जी तो तुम्हारा एडिटिव है, सॉरी जी तो तुम्हारा, हाँ जी एडिटिव है और ई तुम्हारा एडिटिव है। अब अगर यहाँ से एफ को कॉमन लेके उड़ा दे, कोई दिक्कत है किसी को? बताओ कोई दिक्कत है? और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा? एन थ्री ई नॉट सेल बचेगा बेटा। यहाँ पे एन थ्री ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा एन वन ई नॉट सेल। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? एन टू ई नॉट सेल बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बता दो चंगू मंगू। अब देखो बस, अब वैल्यू पुट करनी है, कुछ करना ही नहीं है। यहां से देखो N3 की वैल्यू कितनी? 2 इन 2 में E नॉट सेल, यहाँ पे E3 वाला होगा तो यहाँ पे E3 नॉट लिख देंगे इज इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 1 इन 2 में E1 नॉट, ये तुमने निकाली ना N1 इन 2 N3 की वैल्यू। ऐसे प्लस N2 की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? E2 नॉट। इतना करा तुम लोगों ने? करा कि नहीं करा, सही बताना। यस यस क्वेश्चन। अच्छा अगर ऐसे करा तो फिर सही में तुम्हारा आंसर मतलब सही है, अगर ऐसा करा, बट सही तो नहीं है। अभी देख बता दें किसका सही है। यहाँ पे हो जाएगा 2e3 नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास e1 नॉट प्लस का हो जाएगा बेटा e2 नॉट। यहाँ से अगर e3 नॉट की तुम वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? e1 नॉट प्लस का e2 नॉट डिवाइडेड बाय 2। e1 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.15। और e2 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए बेटा, ये कितना हो जाएगा? 0.325 वोल्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? ये वैल्यू हो जाएगी E3 नॉट। क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन करा चुके हैं पहले? क्यों? ठीक है, कोमल का आंसर सही है और किसका किसका सही है? स्टार्टिंग में देखते हैं किसने, तनिष्का ने सही दिया आंसर, बाकी सबका गलत आया है, और बाकी कुछ बच्चों ने अभी दिया तो उनका मानेंगे नहीं। सर पहले 0.515 और मैंने 5 को ना 0.5 को ऐड करके 2 वोल्ट्स ले लिया था, तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया था। हाँ तो फिर वो तो, हाँ तो वहां पे तो तुम्हारी वो मैथ्स कैलकुलेशन गड़बड़ हुई का मतलब कॉन्सेप्ट हमने यही लगाया था। यस यस ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को बताओ होमवर्क के लिए, सेम ऐसे ही दें हमें, सब लोग घर से ट्राई करके दोगे? एक क्वेश्चन ऐसा ही हम आपको दे रहे हैं, आप लोग मुझे ट्राई करके सब लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, ये है आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से करना अच्छे से, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी आपने वाला करा, ऐसे ही है। इक्वेशन बनेगी उससे सॉल्व करना। BrO3 नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है, ई नॉट की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दे रखी है 0.54 वोल्ट, और ये कन्वर्ट हो रहा है BrO नेगेटिव में, और यहाँ पे आपको बेटा ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.45 वोल्ट में, और ये कन्वर्ट हो रहा है हाफ Br2 में, और ये आपको दे रखी है वैल्यू ई नॉट की 1.07 वोल्ट, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें भाई, Br नेगेटिव में, ठीक है? और आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट कह रहा है ई नॉट फॉर BrO3 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट होगा हाफ Br2, ठीक है? BrO3 नेगेटिव से जब आपका Br नेगेटिव बनेगा तब आपको बताना है, और BrO नेगेटिव से आपको Br नेगेटिव के लिए बताना है। मतलब तुम्हें ई नॉट तीनों के लिए निकालना, ई नॉट आप इस वाली क्वेश्चन के लिए भी निकालोगे, इस वाली क्वेश्चन के लिए भी निकालोगे, इस वाली क्वेश्चन के लिए भी निकालोगे, और ये वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे गिवन है, तो अब देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है? देखो BrO3 नेगेटिव से जब BrO नेगेटिव जाओगे, कुछ ऐसा दे रखा है BrO3 नेगेटिव से BrO नहीं पूछा तुमसे कुछ और, मतलब तुम्हें अल्जेब्रा की, जैसे अभी तुमने अल्जेब्रा की इक्वेशन बनाई थी डेल्टा जी को ऐड करके ऐसे करके, इसी टाइप से आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे इस टाइप की, ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढो जिससे तुम्हें क्या हो जाए हाफ Br2 मिल जाए, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, कुछ भी करो, जैसा भी कर सकते हो, एक इक्वेशन जैसे इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो, फिर तुम क्या करो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल है पहली इक्वेशन बनानी ये वाली, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं, पहले ये वाली इक्वेशन को लिख लो, एक तुम्हें इक्वेशन क्या दे रखी, BrO3 नेगेटिव से किसमें कन्वर्ट होने कह रहा है, कह रहा है BrO नेगेटिव में, फिर कह रहा है कि जो BrO नेगेटिव है उससे कन्वर्ट हो रहा है हाफ Br2 में, Br2 में, ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, इसे एक मानो, इसे दूसरी मानो, एक ऐसे तीसरी वाली बना लो कि हाफ Br2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Br में, हम तुम्हें हिंट्स देने लगाओगे तुम ही लोग, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3, समझते रहना बेटा। अब देखो अगर पहली वाली की बात करें, पहली वाली रिएक्शन की, तो बेटा रिएक्टेंट साइड में क्या है तुम्हारे पास, रिएक्टेंट साइड में BrO नेगेटिव है, मतलब ये वाली क्वेश्चन तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, और प्रोडक्ट में क्या है हाफ Br2, यानी कि ये वाली क्वेश्चन भी तुम्हें उठानी ही पड़ेगी, बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ ना बोल दो जल्दी से, जल्दी। अगर हम क्या करें, हम पहली और दूसरी को क्या करें ऐड करें और तीसरी को इसमें से सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा जरा देखना, पहली दूसरी को ऐड करो मतलब BrO3 नेगेटिव से BrO इसे उठाओ, और प्लस इसमें क्या जोड़ दो, BrO नेगेटिव से क्या जोड़ दो हाफ Br2, और इसमें सबट्रैक्ट करो तीसरी वाली, ठीक है? तीसरी वाली सबट्रैक्ट करने का मतलब हो गया हाफ Br2 से क्या हो जाएगा Br नेगेटिव, क्या क्या कैंसिल होगा देखिए जरा, क्या क्या कैंसिल, ये इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये वाला उड़ जाएगा, उड़ेगा, लेकिन हमें तो ये चाहिए था। हाँ तो तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें तुम्हारा LHS में, अच्छा इन दोनों को तुमने ऐड करा है ना, ये उड़ कैसे जाएगा, एक सेकंड वर्षा क्या कह रहे हो, लग गया क्या वर्षा, क्वेश्चन लग गया बेटा, वर्षा क्या कह रहे हो बताओ, अरे मतलब जैसे एलजेब्रा की इक्वेशन बनाते वैसे इक्वेशन बनाना, और तुम्हें ये देखना कैसे क्या किसे ऐड करें। हाँ क्या कह रहा हूँ सर, बन गया, क्या बनाया बताओ सर, BrO3 नेगेटिव से Br नेगेटिव का तो हमें मिल ही रहा है ना सर, डायरेक्ट डायरेक्ट सर, देखो ना BrO3 नेगेटिव है सर, यहाँ पे BrO नेगेटिव है तो यहाँ पे भी सर मतलब 2 BrO नेगेटिव है तो वहाँ पे 2 BrO नेगेटिव हो जाएंगे, और सर देन डायरेक्ट Br नेगेटिव के साथ ही। हाँ मतलब बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि अल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे तुम लोग बनाते थे वैसे अल्जेब्रिक इक्वेशन बनाओगे कि पहली इक्वेशन ये दूसरी ये, उन्हें क्या करो जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करके तुम्हें इनके लिए ये वाली इक्वेशन बना के इनके लिए वैल्यू निकालनी, बस दैट्स खत्म बात। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में है, ठीक है? और इसे तुम लोग सॉल्व करके मुझे भेजना सब लोग, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, एक होमवर्क में क्वेश्चन जैसा कि डेली देते हैं वैसे आज भी एक क्वेश्चन है, और इसे तुम भेजोगे हमें कल, ठीक? हाँ चलो।
और वादे के मुताबिक, जैसा कि हमने तुमसे गाना के लिए बोला था, तो वादे के मुताबिक तुम्हें गाना सुनाने का समय जो है वो कल जो है सायमा मैम मेरी तरफ से गाना तुम लोगों को सुना देंगी, ठीक है बेटा? नो सर, चलो आशु सर से सुना देंगे ना क्वेश्चन, हमने कमेंट्री को किया जब वो गाना गाते हैं गिटार लेके, तो भैया भीड़ ऐसे जमा सी हो जाती है। तो मेरी तरफ से आशु सर तुम लोगों को गाना सुनाते हैं, एक नहीं दो गाने सुनाए पक्का। कल कल गाना सुनाओगे तुम लोग उनसे? कल गाना सुनाते आप गाना गाओगे तो मैं आपके लिए गिटार प्ले करूंगी। चलो अब तो ये बात मतलब बढ़ती जा रही है। सर आपने खुद बोला था अगर हम वो क्वेश्चन कर लेंगे तो आप हमें गाना सुनाओगे। गाना बेटा आते ही कहाँ है। तो सर फिर भी सुनाओ ना, अब आपने बोला था, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। चलो फिर अब इतना तुम पीछे पड़े हो तो कल माशु सर से बात करके तुम लोगों का फिक्स कराते हैं गाने का, ठीक है? सर क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री का लगाया। ये क्वेश्चन, अरे भैया ये क्वेश्चन सबका नोट हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। सर नोट हमने पहले साथ साथ में कर लिए। और तुम बता रहे, मेरी बात सुनो, तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम लोग गाना सुनोगे तो बेसुरी आवाज में गाना, अगर तुम चाहो तो आशु सर का डांस भी होगा कल, बताओ। डन करो डी। आप भी करो और सर भी। नहीं मतलब आपका ठीक है, ठीक है चलो अच्छा इतना कर लेगा, फिर कल मिलेंगे, ठीक है? टाटा बाबा, मजे करो सर, कल करे सो आज कर, आज करे सो। नहीं आता भैया, नहीं आता, कल मिलते हैं, बाय। पूरे पांच मिनट है अभी, पूरे पांच मिनट है, पांच मिनट में दो गाने खत्म हो सकते हैं, ढाई ढाई मिनट के। नहीं बेटे ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा। अब तुम लोग जाओ, अब लेट हो गया है, खाना पीना खाओ जाके, कल मिलते हैं, ठीक है? सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप ऑडिशन में जा रहे हो और हम जज हैं आपका, तो हम भी वैसे ही हैं। वही तो बात है, ऑडिशन में तो और गंदा करेंगे। समझ रहे हो? चलो अच्छा ठीक है, बाय बाय सर, जा रहे हो? बाय बेटा, बाय। हाँ जा रहे हैं, बाय सर। गाना सॉन्ग कल देखते हैं, आज प्रिपेयर करते हैं, कल सुनाएंगे, ठीक है? कल कभी आता सर, कल का नाम काल है, आज ही सुना सकते हैं। बाय 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 बाय।